नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार और स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्निकल टर्म यूज इन टर्नआउट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टर्नआउट क्या होता है और इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, रेलगाड़ी को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, जो अरेंजमेंट की जाती है, उसको कहते हैं टर्नआउट। तो दोस्तों, टर्नआउट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है पॉइंट और दूसरा होता है क्रॉसिंग। ठीक है, तो टर्नआउट में इतने हमारे टेक्निकल टर्म यानी कि 13 टेक्निकल टर्म यूज किया जाते हैं और इनको वन बाय वन करके हम समझते हैं। तो पहला हमारा स्टॉक रेल होता है, दूसरा टंग रेल होता है, तीसरा चेक रेल होता है, चौथा लीड रेल होता है, पाँचवा विंग रेल होता है, छठा होता है पॉइंट एंड सप्लाइस रेल, और सातवां होता है स्ट्रेचर बार, और यहाँ पे बात करें आठवां होता है थ्रो ऑफ स्विच, नौवां होता है हील ऑफ स्विच, और दसवां होता है नोज ऑफ क्रॉसिंग, और ग्यारहवां होता है एंगल ऑफ क्रॉसिंग, बारहवां होता है फेसिंग पॉइंट, और तेरहवां होता है जो कि लास्ट है ट्रेलिंग पॉइंट। तो दोस्तों, इतने हमारे टेक्निकल टर्म हैं, इनको वन बाय वन करके हम समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टॉक रेल की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो पॉइंट की बाहरी दोनों रेल जो कि मेन लाइन से कंटिन्यूसली आती है, उसको हम कहते हैं स्टॉक रेल। तो दोस्तों, यहाँ पे इस फिगर में देख पा रहे होंगे आप, ये हमारी लाइन आ रही मेन लाइन, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये मेन लाइन आ रही है और ये मेन लाइन आ रही है। तो ये दोनों बाहरी रेल है और इसी को हम कहते हैं स्टॉक रेल, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टंग रेल से जुड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप स्टॉक रेल को समझ गए होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं टंग रेल की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम टंग रेल की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो स्टॉक रेल के अंदर वाली वो रेल जो कि पॉइंट की ओर पतली होती है, टंग रेल कहलाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारी स्टॉक रेल है और यहाँ पे ये वाली हमारी स्टॉक रेल है। ठीक है, इसके अंदर वाली ये जो रेल है यही हमारी टंग रेल कहलाती है। चूँकि ये पॉइंट की ओर पतली है और जीभ के आकार की है, इसीलिए इसको हम टंग रेल कहते हैं। दोस्तों, टंग रेल जो होती है ये स्ट्रेचर बार की सहायता से, स्विच बॉक्स से या मोटर से जुड़ी हुई होती है, और इसी मोटर की सहायता से ये आगे यानी इस साइड में और इस साइड में सरकाई जाती है। ठीक है, सरकाई इसलिए जाती है क्योंकि जब ये इधर सरकाई जाती है तो इस रेल से आके सड़ जाती है यानी स्टॉक रेल से सड़ जाती है, और जो हमारी ट्रेन होती है, जो हमारी रेलगाड़ी होती है, वो इसी ट्रैक पे चली जाती है यानी कि इस वाले ट्रैक पे चली जाती है। ठीक है, और जब ये इस साइड में सटा हुआ होता है, इस साइड में, तो हमारी ट्रेन जो है सीधी चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरह से हम यहाँ पे क्रॉसिंग को भी समझ गए। दोस्तों, अब बात करते हैं चेक रेल की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चेक रेल की डेफिनेशन क्या होती है। तो क्रॉसिंग के पास में लगाई जाने वाली रेल जो कि लंबाई में छोटी होती है, चेक रेल कहलाती है। ओके, तो दोस्तों आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारी जो क्रॉसिंग है और क्रॉसिंग के पास में ही ये हमारी छोटी सी रेल लगाई गई है, इसी को हम चेक रेल कहते हैं। दोस्तों, जो चेक रेल होती है वो दोनों साइड में लगाई जाती है क्रॉसिंग के, तो यहाँ पे ये हमारी चेक रेल है। और दोस्तों, चेक रेल जो होती है वो स्टॉक रेल से लगी हुई होती है, यहाँ पे स्टॉक रेल यहाँ पे और यहाँ पे ये स्टॉक रेल है। ओके, दोस्तों अब समझ लेते हैं कि चेक रेल लगाई क्यों जाती है। दोस्तों, जब रेलगाड़ी आती है स्टॉक रेल से होते हुए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे होते हुए जब आती है, तो यहाँ पे नोजिंग पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नोजिंग है, यहाँ पे नोजिंग है, और नोजिंग से हमारी जो रेलगाड़ी है वो इस ट्रैक पे ना चली जाए, इसीलिए हमारे चेक रेल लगाया जाता है। जो रेलगाड़ी का व्हील होता है यानी पहिया होता है, उसमें फ्लैंज होता है। ठीक है, उसमें फ्लैंज होता है, तो वो फ्लैंज जाके इसमें फंस जाता है। दोस्तों, आप रेलगाड़ी को जब देखेंगे तो उसके व्हील में अंदर की साइड में एक फ्लैंज होता है, ठीक है, जो कि इसमें आके फंस जाता है और रेलगाड़ी इस साइड में यानी कि इस साइड में नहीं जा पाती है, और जो रेलगाड़ी होती है वो इस ट्रैक से आते हुए सीधी निकल जाती है यानी कि यहाँ से स्टॉक रेल से सीधी निकल जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी क्रॉसिंग हो जाती है।
दोस्तों अब बात करते हैं लीड रेल क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लीड रेल की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो पॉइंट से आगे की तरफ निकली हुई रेल लीड रेल कहलाती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है और इस पॉइंट से चार रेल आगे की तरफ निकली हुई हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारी दो मेन रेल है और यहाँ पे दो ब्रांच रेल है, ठीक है, जो कि आगे की तरफ यानी क्रॉसिंग की तरफ बढ़ रही हैं। दोस्तों अब बात करते हैं विंग रेल की। तो दोस्तों सबसे पहले हम विंग रेल की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो पॉइंट से निकली हुई चार रेल जिसमें दो मेन रेल होती हैं और दो ब्रांच रेल होती हैं। दोस्तों ब्रांच रेल अंदर की तरफ होती हैं और वो क्रॉसिंग पर आकर समाप्त कर दी जाती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो हमारी रेल है इसको हम मेन रेल कहते हैं या फिर स्टॉक रेल कहते हैं। दोस्तों इस साइड में भी हमारी मेन रेल है और यहाँ पर अंदर वाली जो रेल है इसी को हम विंग रेल कहते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आके ये मोड़ दी गई हैं पंख की तरह, ठीक है, इसको भी मोड़ दिया गया है, ठीक है, इसी को हम विंग रेल कहते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट रेल व सप्लाई रेल की। तो दोस्तों सबसे पहले हम पॉइंट रेल व सप्लाई रेल की डेफिनेशन समझ लेते हैं। दोस्तों वी क्रॉसिंग पर जो रेल अंत तक चली जाती है उसको हम कहते हैं पॉइंट रेल। दोस्तों बाकी जो रेल बच जाती हैं वहीं पर समाप्त हो जाती हैं उसको हम कहते हैं सप्लाइस रेल। दोस्तों जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग वी है और वी क्रॉसिंग पर ये जो रेल है हमारी, ये रेल आगे की तरफ कंटिन्यूसली चली जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये रेल हमारी यहीं पर ख़त्म हो जा रही है, जिसको हम विंग रेल भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने समझ लिया पॉइंट रेल क्या होती है और सप्लाइस रेल क्या होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेचर्स बार क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्ट्रेचर बार की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो दोस्तों टंग रेल को दाएं बाएं सरकाने के लिए जिस बार का यानी जिस छड़ का उपयोग किया जाता है उसको हम स्ट्रेचर छड़ या फिर स्ट्रेचर बार कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारी टंग रेल है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी टंग रेल है और यहाँ पे जो हमारी टंग रेल की टो है, ठीक है, जहाँ पे हमारी स्ट्रेचर बार जुड़ी होती है उसको हम टंग रेल की टो कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो छड़े हैं इन्हीं छड़ों को हम कहते हैं स्ट्रेचर बार। दोस्तों स्ट्रेचर बार की सहायता से ही टंग रेल को दाएं बाएं सरकाया जाता है, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस टंग रेल को इधर चिपकाने के लिए और इस टंग रेल को इधर चिपकाने के लिए स्ट्रेचर बार का यूज किया जाता है और इस स्ट्रेचर बार को मोटर में लगाकर आगे पीछे सरकाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने स्ट्रेचर छड़ के बारे में भी डिस्कस कर लिया। दोस्तों अब बात करते हैं थ्रो ऑफ स्विच के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम थ्रो ऑफ स्विच की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमारी जो टंग रेल होती है वो स्टॉक रेल से जितनी साइड डिस्टेंस कवर करती है उसको हम कहते हैं थ्रो ऑफ स्विच। तो दोस्तों जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारी ये जो टंग रेल है और यहाँ पे हमारी स्टॉक रेल है। दोस्तों टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में जितना हमारी डिस्टेंस है इसी को हम कहते हैं थ्रो ऑफ स्विच या फिर स्विच का अंतराल। ओके, तो दोस्तों इस तरह से हमने स्विच का अंतराल को भी डिस्कस कर लिया। दोस्तों अब बात करते हैं स्विच की हील। तो दोस्तों सबसे पहले हम हील ऑफ स्विच की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो दोस्तों टंग रेल का वह सिरा वह भाग जो सामान्य रेलों की भांति पूरी मोटाई का होता है उसे हम कहते हैं हील ऑफ स्विच। तो दोस्तों जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारी टंग रेल है। दोस्तों यहाँ पे टंग रेल हमारी जीभ के आकार की होती है, यानी जीभ की संरचना की होती है, पतली होती है। दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारी जो रेल है ये सामान्य रेलों यानी कि स्टॉक रेल की तरह ही मोटी है, तो इसी को हम कहते हैं जो कि सामान्य मोटाई की है, इसी को हम कहते हैं हील ऑफ स्विच। तो दोस्तों इस तरह से हमने हील ऑफ स्विच को भी डिस्कस कर लिया। दोस्तों अब बात करते हैं नोज ऑफ क्रॉसिंग।
तो दोस्तों सबसे पहले हम नोज ऑफ क्रॉसिंग की डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्रॉसिंग पर जिस बिंदु पर वी रेल आकर मिलती है उस बिंदु को या फिर उस पॉइंट को नोजिंग कहते हैं या फिर नासिका कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो रेल आकर मिली हुई हैं जो कि वी आकार की है, और इस पॉइंट पर यानी कि यहाँ पे ये जो दिखा रहा है आपको दिख रहा है इसी को हम नोजिंग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नाक के आकार का है। दोस्तों इस तरह से हमने नोज ऑफ क्रॉसिंग को भी समझ लिया। दोस्तों अब बात करते हैं एंगल ऑफ क्रॉसिंग की। तो दोस्तों सबसे पहले हम एंगल ऑफ क्रॉसिंग की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्रॉसिंग पर वी आकार की जो रेल होती हैं वो जितना एंगल बनाती हैं उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ क्रॉसिंग। तो दोस्तों जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारी वी आकृति की जो दो रेल हैं और इनके बीच में जितना एंगल बन रहा है इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने एंगल ऑफ क्रॉसिंग को भी डिस्कस कर लिया। दोस्तों अब बात करते हैं फेसिंग पॉइंट की। तो दोस्तों सबसे पहले हम फेसिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ लेते हैं। दोस्तों जब रेलगाड़ी स्विच पॉइंट से क्रॉसिंग की तरफ बढ़ती है तो उसको कहते हैं हम फेसिंग पॉइंट। दोस्तों ये टेक्निकल टर्म गाड़ी की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए यानी व्यक्त करने के लिए बताया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी स्विच पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से हमारी गाड़ी जो इस दिशा में बढ़ रही है यानी कि पॉइंट से यानी स्विच पॉइंट से क्रॉसिंग की तरफ बढ़ रही है तो इसे हम कहेंगे फेसिंग पॉइंट, ओके। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रेलिंग पॉइंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम ट्रेलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ लेते हैं। दोस्तों जब रेलगाड़ी क्रॉसिंग से स्विच पॉइंट की तरफ बढ़ती है तब उसको कहते हैं ट्रेलिंग पॉइंट। दोस्तों जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारी क्रॉसिंग है, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग है और ये हमारा स्विच पॉइंट है। दोस्तों जब गाड़ी इस डायरेक्शन में यानी इस दिशा में बढ़ेगी तब इसे कहेंगे ट्रेलिंग पॉइंट। दोस्तों जब ये गाड़ी स्विच पॉइंट से क्रॉसिंग की तरफ बढ़ेगी तब इसको हम कहेंगे फेसिंग पॉइंट, ओके। तो दोस्तों इस तरह से हमने टर्न आउट में यूज होने वाले सभी टेक्निकल टर्म को डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ओके। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।